चलो कैसे हो सभी बढ़िया हो ठीक है आज हम जो है अपना जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइन एंड एंगल उसका लास्ट है ना मतलब आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब हम वो सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने चाहिए आपको क्वेश्चन को ना तो इजी की नजर से देखना ना टप की नजर से देखना ठीक है बस ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने बनाया आपसे नहीं बना फिर हमारे बनाने से वो समझ में आपको आना चाहिए ठीक है कंडीशन आपको सारी पता है जो कंडीशन आपको पता है हम बता चुके हैं उन्हीं से ये सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं ठीक है थीके? तो देखो आपके पास जो सीट है ना उसमें ये सब डाटा मेंशन है उसी सीक्वेंस में बोर्ड पर हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ठीक है दूसरी बात टाइप थ्री हम कंप्लीट कर चुके हैं ये सभी को पता है जो अबसेंट होंगे उन्हें नहीं पता होगा शायद वैसे तो सभी वो प्रेजेंट है ना चलो अब हम पढ़ते हैं हमारा टाइप फोर का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे साथी जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए होंगे क्योंकि सीट आपको मिली चुकी थी पहले तो आंसर भी लगभग आपको पता होगा सभी क्वेश्चन का जिनको नहीं बने आंसर नहीं पता वो इधर समझ लो बताओ यार आपको कह रहा है इन द गिवन फिगर एम पेरल एन एंड एंगल वन इज टू सिक्स डिग्री चित्र में एम पैरल एन और आपका एंगल वन सिक्सटी फाइव डिग्री का है तो एंगल फाइव तथा एंगल एट का वैल्यू क्या होगा दो पैरल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आपको मैंने बताया था इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं और कौन से एंगल की वैल्यू कौन से एंगल के इक्वल होती है आपने यह भी देखा था कि एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन से होते हैं तो मेरे भाई जल्दी से बताओ इसमें पांच का और आठ का मान क्या होगा जिन्होंने घर पर नहीं बनाए हैं वो जल्दी से क्वेश्चन बना के आंसर बताओ करो सॉल्व देखो आपका जो एंगल वन है मेरे भाई वो कितना दिया हुआ है आपको 65? तो आपको यहां पर जो वैल्यू डिफाइन करनी है वो कौन सी है एक ये वाली है तो बताइए मेरे भाई एक के इक्वल होगा थ्री और थ्री के इक्वल होगा सिक्स और सिक्स के इक्वल होगा एट तो जो एट है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी सिक्सटी फाइव बोलो हाँ ना मेरे भाई अगर ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है और अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर ये लीनियर पेयर हुआ कि नहीं हुआ लीनियर पेयर मतलब रेखे के कोण और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा तुम्हारा 115 डिग्री क्योंकि तो ये दोनों का जो समय वो कितना होना चाहिए 180 हम इसमें ऑप्शन का भी सपोर्ट ले सकते थे बट प्रॉब्लम यह है कि सभी ऑप्शन जो है ना वो ऐड करने पर 180 हो रहे हैं क्लियर हो रहा है अगर हमारे चार ऐसे ऑप्शन हमें दिए जाते जिनका जो समय वो 180 नहीं होता तो शायद हमारा ऑप्शन यहां पर वर्क करता तो अभी फिलहाल हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी क्लियर हुआ कि नहीं सभी को चलो मेरे भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए हाँ बताओ देखो हमको मेरे भाई एंगल वन की वैल्यू दिया है सिक्सटी फाइव ये वन किसके इक्वल होगा वन किसके इक्वल होगा थ्री के क्योंकि ये कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट है ठीक है मेरे भाई और ये थ्री किसके इक्वल होगा अल्टरनेट एकांतर हमने कोण पढ़े थे ये दोनों कोणों का मान क्या होता है फिर भाई छः का वैल्यू किसके बराबर होगा मतलब ये जो सिक्सटी फाइव है वो कहां तक आ गया हमारा एट तक आ गया मतलब एंगल एट की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर हम इसको भी आंसर केवल एसी से टिक कर सकते थे अगर ऑप्शन में ये ना होता हमें कंफर्म करना पड़ा कि हाँ ये है भी कि नहीं है ठीक है अब मेरे भाई आपको पता है कि लीनियर पेयर एंगल मतलब एक रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो मेरे भाई यहां पर जो है एंगल बनता है ठीक है और वो टोटल कितने का होता है आपका 180 का तो बस वही हमें करना था ठीक है जब हमारे पास ये सिक्सटी फाइव मिल गया तो ये पूरा अब कितना होगा एक सौ अस्सी तो भाई अब ये सिक्सटी फाइव पैंसठ का हो गया है तो एक सौ अस्सी में से पैंसठ घटा के एक सौ पंद्रह ठीक है चलो देखो मेरे भाई बताओ कितना है कह रहा है निम्नलिखित चित्र में यदि ए बी पैरेलल सी डी तथा ई e. ये बताओ किसका साइन है अब लंब का परपेंडिकुलर का और ये चिन्ह अगर आपको अभी तक नहीं पता तो फिर समझो आपको और घर पे मेहनत की जरूरत है क्योंकि हमने यहां पर मिलके ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं इस बात का मतलब ये होता है है मेरे भाई कि यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा बोलो हाँ ना किसी एक लाइन का किसी दूसरी पर परपेंडिकुलर होना मतलब नाइनटी डिग्री का एंगल बनना हालांकि डायग्राम को देख हम ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे यहां पर क्योंकि ये जो डायग्राम है ना वो कुछ इस टाइप का है समझ है? बाकी परपेंडिकुलर के लिए ऐसे होना चाहिए था इसको एकदम उसके अपोजिट तो बताओ यहां पर हमें एक्स का वैल्यू पूछा है एक्स का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू तो देखो ए बी सी डी आपकी इस लाइन की जो पैरल कौन सी लाइन है अब ये सीई e, लंब है किस पर ईडी e, पर तो हमारी जो ईडी e, है वो कौन सी है ये वाली और ये सी डी कौन सी है सी डी ईडी कौन सी है हमारी ई पर लंबे अच्छा ये वाली सीई पर लंबे कौन ईडी तो यहां पर कितना बना 90 डिग्री ये आपको दिया हुआ है कितना 37 तो देखो यार अगर हम इस इतने एंगल की बात करते हैं देखो अगर हम इतने एंगल की बात करते हैं इतने एंगल की ठीक है तो इतने एंगल में क्या कंडीशन बनेगी अल्टरनेट एंगल बनेगा मतलब ये एंगल जितने का होगा उतने का ही ये एंगल होगा और ये हमें इजीली पता लगेगा पता लगेगा कि नहीं कैसे पता लगेगा बताओ ये दोनों को ऐड कर लो नौ तीन बारह एक सौ हो गया उसके बाद फिर हमारा ये वाला कितना बचेगा फिफ्टी थ्री तो मेरे भाई ये भी कितने का हो जाएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए क्लियर हुआ मतलब कंडीशन नहीं पता मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था कि अगर प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन पर अप्रोच नहीं बनेगी तो मैं लगेगा कि सायद बन सकता है, पर वो बनेगा नहीं आपको परेशान करेगा ठीक है चलो यार हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए बताओ किस किस का बन चुका है ये अरे बहुत बढ़िया क्या तो थोड़ा सा और पीछे बैठना था आपको अभी हो जाओ और पीछे चलो भाई कैसे बनाया देखो मेरे भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए बी पैरल सी डी तो आपका ए बी ये वाला है और सी डी मेरे भाई ये वाला लाइन तो अब इसमें भी आपको दिया हुआ है एंगल पीई बी एट्टी डिग्री देखो पी ई बी यहां पर ये कितना रख दिया आपने एट्टी डिग्री अब मेरे भाई आपको कभी कभी इसमें डाउट होगा जिनको नहीं पता बता दें ये जो दोनों साइड के रहते हैं ना ये लाइन रहती हैं ये दोनों साइड के जो रहते हैं वो क्या रहती है लाइन और ये बीच वाला हमारा वेटेक्स होता है पॉइंट जहां पर वो एंगल बना है तो ये जो है ई पर रखा जाएगा एट्टी डिग्री बहुत सारे बच्चों को नहीं पता लगता कि ये पी ई भी रखे कैसे तो आपको ध्यान रखना है ई वाले बीच वाले पॉइंट पर हमेशा ये वैल्यू पुट की जाती है तो ई हमारा यहां पर है तो हमारा ये हो गया एट्टी ठीक है अब आपको बोला क्यू एच डी तो देखो मेरे भाई ये क्यू और एच पर रखा जाएगा मान ये आपका वैल्यू और यहां पर ये बोला है डी तो ये आपका कितना दिया हुआ है वन एट ट्वेंटी डिग्री अब आपको बोला है कि पी क्यू आर इक्वल टू एक्स डिग्री मतलब हमें इस वाली वैल्यू को फाइंड करना है यहां पर इस वाली को ये वाला एंगल तो बता भाई इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इसमें पैरेलल कौन है ए बी और तो बताओ यार ये वाला एंगल या ये वाला एंगल बराबर होगा ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होगा तो आप यहां पर रख सकते हो कितना 80 रख सकते हो मेरे भाई यहां पर लीनियर पेयर बनेगा कि नहीं रेखे की युग में बनेगा कि नहीं आपका ये वन ट्वेंटी है तो इधर कितना बचा आपको भी पता है किसी भी ट्रैंगल में ये दो एंगल का जो टोटल है सम है वो कहां होता है बाहर होता है होता है कि नहीं होता तो अगर यहां सिक्सटी है तो एक्स की जगह पर कितना रखोगे कि एट्टी हो जाए तो मेरे भाई एक्स की जगह पे आपको रखना पड़ेगा कितना ट्वेंटी डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं बना क्लियर है तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई ऐसा लग रहा है कि तुम्हें देखे कि नहीं आया देखो इधर दोबारा से सबसे पहले आपको खैर इसमें तो देखो यहां पर वैल्यू पुट करके दी गई है

ट्वेंटी रखा कहां जाएगा एच और डी के बीच में तो देख मेरे भाई सॉरी क्यू और डी के बीच में तो क्यू ये रहा और आपका यहां पर क्यू एच अब ऐसा भी हो सकता था कि यहां से भी गुजर सकता था जी डी के 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 पास के लिए तो मान के चलो किसी डायग्राम में वैल्यू पुट करके नहीं दिया तो मैं एक बार आपको क्यों समझा रहा हूं क्योंकि छोटी छोटी चीजें बच्चों को परेशान कर देती हैं ये क्यू और डी तो क्यू से डी के लिए तो यहां तक भी जा सकता था ना इस रास्ते से लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बीच वाला वेडेक्स होता है पॉइंट के वैल्यू कहां जाके रखनी है तो आपकी वैल्यू रखनी है एच पर तो हमने ये वाली वैल्यू यहां पर रख दी है एच पर अब ये वाला हमारा एंगल यहां पर दिया हुआ है लेकिन अगर हम इस लाइन को सीधी ले जाए तो फिर यहां पर यह लीनियर पेयर बनेगा तो अगर ये लीनियर पेयर बनेगा तो वन होगा कि नहीं टोटल और अगर वन होगा तो मेरे भाई वन ये यह रखा यहां पर कितना रहेगा क्लियर हुआ अब बात आती है भाई कि ये जो ए बी और सी डी है ना ये पैरल है तो पैरल है अगर तो ये हर लाइन के साथ सेम एंगल बनाएंगी मेरे भाई अगर ये यहां पर 80 है तो ये यहां पर भी 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा तो आप या तो ऐसे समझ सकते हो कि इस वाले एंगल का और इस वाले का जो एंगल का सम है वो बाहर होता है दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हो कि सर मान लो हम यहां पर ये वाला कंडीशन नहीं समझ पा रहे तो मेरे भाई देखो ये आपको इजिली मिल गया सिक्सटी ये आपको यहां से इजिली मिल गया कितना एट्टी और अगर ये एट्टी है तो यहां पर लीनियर पेयर बनेगा तो यहां पर यह होगा हंड्रेड यहां पर होगा कि नहीं हंड्रेड तो हंड्रेड और सिक्सटी तो दो रखे ही है और आपका ये ट्रैंगल बना और ट्रैंगल का सम कितना होता है 180 तो आपका यहां पर 160 तो ये दो का ही हो गया तो इसके लिए कितना बचा कैसे भी समझ लो जो तुम्हारे माइंड में पहले प्रॉपर्टीज आ जाए जा जा वो लगा दो ठीक है चलो मेरे भाई बताओ इसका आंसर अगर ये बना लिया ना भाई तो समझो तुम बढ़िया पढ़ रहे हो ऐसा कौन है जिससे ये वाला क्वेश्चन नहीं बना इधर गर्ल्स में सभी से बन गया नहीं बना देखो एंगल बी जेड एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो भाई बी जेड और एक्स इस वाले का वैल्यू हमें यहां से फाइंड करना है बताओ कैसे मिलेगी देखो एक तो इसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है सब एक ही प्रोसेस के द्वारा आंसर ला पाए किसी का कमेंट कैसे चलता है किसी का कमेंट कैसे चलता है अगर आपको कंडीशन पता है तो ऐसा क्वेश्चन कभी गलत बच्चे से होता नहीं है फर्क पड़ जाता है कोई दस सेकंड में ला पाएगा कोई बीस सेकंड में मेरे भाई अगर ये ट्वेंटी फाइव है तो क्या हम कह सकते हैं यहां भी ट्वेंटी फाइव होगा इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं ऐसा नहीं दिया गया है कि कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरल है एंगल के हिसाब से केवल लीनियर पेयर वर्क करेगा और यहां पर कुछ वर्क नहीं करने वाला ठीक है अमिर भाई देखो ये आपका चालीस है अगर यहां पर ये यह पच्चीस है तो देखो मेरे भाई आप इस वाले को लीनियर पेयर की दृष्टि से देख सकते हो अगर आपका ये पच्चीस है तो ये टोटल कितना होने वाला है एक सौ अस्सी यहां पर ये यह कितना होने वाला है पूरा और 180 में से ये कितना होगा फिर 25 घटा दो कितना बचेगा 100 क्लियर हुआ अब मेरे भाई एक बात बताओ अगर यहां पर देखो ये 120 है और अगर ये पूरा इधर आता है तो ये पूरा होगा 180 तो यहां पर ये वाला कितना बचा तो अगर ये 60 और ये आपका 25 60 और 25 तो फिर ये कितना होगा बताओ हमें इस वाले एंगल तक पहुंचना है क्योंकि ये दोनों का सम यहां होगा कहने का मतलब बस ये है कि ये जो दो एंगल है ना इनका सम कहां पर होना है तो हमें कैसे भी इस एंगल तक पहुंचना है और इस एंगल तक अगर पहुंचना है तो मेरे भाई हमें पहले इस एंगल तक पहुंचना होगा और इस एंगल तक पहुंचने के लिए हमें यहां पर एक देख रहा है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का सब टोटल करके कितना होगा 360 तो आप कैसे भी यहां तक पहुंचोते देखो ये आपका हो जाएगा सिक्सटी और ट्वेंटी फाइव यहां पर हम इसको रख सकते हैं एट्टी फाइव है क्या सिक्सटी और ट्वेंटी फाइव मेरे भाई ये दोनों का सम यहां होगा होगा कि नहीं होगा ठीक है तो अब आप या तो ऐसा कर लो देखो ये कितना हो रहा है आपका ऐड करके 85. इसको माइनस कर दो कितने में से तो कितना बच रहा है अब आपका ये तो यहां पर ये कितना हो जाएगा ये बोल रहे थे लेकिन मैं आपको सीधा यही बता रहा था क्योंकि फिर आप माइनस करोगे वन एट्टी में से फिर मेहनत करोगे तो ये दोनों का सम सीधा यहां रख दो कितना अब आपके पास ये तीन एंगल हो गए और आपको पता है ये वाला कैसे मिलेगा तीनों को एड करके हम माइनस कर दें कितने में से नहीं चतुर्भ थ्री होगा ठीक है तो मेरे भाई आप यहां पर इनको एड कर लो किस किस को 85 और मेरे भाई आपका वन डबल फाइव और आपका कितना फोर्टी तो पांच और पांच दस का जीरो हासिल का एक आठ एक नौ पांच चौदह चार अठारह और ये आ जाएगा आपका कितना दो सौ अस्सी तो मेरे भाई अब इसके लिए कितना बचा अस्सी बचा क्लियर हो रहा है अब ये अगर अस्सी है तो ये कितना होगा और ये पच्चीस सौ सौ कितना हो जाएगा ठीक है देखो कुछ भी उलट पुलट करके कभी कभार लफ्फेबाजी से आंसर आ जाते हैं पर हमेशा नहीं आते है कि नहीं चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का बताओ ठीक है ये तो जहां लाइन पैरल मिल जाए वहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ठीक है बताओ, अगर आपको यहां से एबीसीडी की वैल्यू डिफाइन करना पड़े तो कोई एक वैल्यू भी पता लग गई ना तो सारा खेल हो जाता है देखो हमें इसकी कितनी मिलेगी अगर दो लाइन पैरेलल हैं और कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों का सब मैंने आपको बताया कितना होता है 180 होता है है कि नहीं तो मेरे भाई अगर आपका यहां पर ये हंड सिक्सटी है तो ये वाला कितना होगा तो ए का वैल्यू एक, एक 120 आ गया अब अगर ये 120 है तो मेरे भाई देखो ये बराबर होगा किसके इसके होगा कि नहीं होगा ये कितना होगा फिर और ये 120 होगा तो फिर यहां पर भी आपका 180 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सी क्लियर हुआ और मेरे भाई अगर ये 60 है तो आपका ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे तो फिर यहां पर ये भी कितना हो जाएगा मतलब इसमें 120 60 और 60 आंसर सीधा सीधा मिल रहा है कौन सा समझ आ रहा है कि नहीं भाई तेरे को तीनों ते कर लिए होंगे सब नहीं किए हो गया ठीक है इसमें किसी को और कुछ बताना है क्या चलो मेरे भाई देखो नेक्स्ट जो टाइप फाइव है ना वो थोड़ा सा दमदार है करो भाई इसको देखो अब इस समय वैल्यू पुट करके नहीं दिया गया डायग्राम में तो वो आपको खुद से पुट करना पड़ेगा करो जल्दी से डी एट्टी फाइव बन गया बनाओ बनाओ क्या भाई ये एट्टी फाइव कह रहे हैं डी तुम्हारे बाकी के साथ ही नहीं बना अच्छा हाँ तो बनाओ पर इतने में बना लेना चार बजे से पहले पहले बन जाए एट्टी फाइव देखो आपका यहां से ए पॉइंट पर रखना है चालीस ई ए सी तो देखो मेरे भाई ई e, आपका ए और सी मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है कितना वैल्यू पुट करना आना चाहिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं नहीं गलतियां कर दोगे देखो ई e, और सी अब ये दोनों के बीच में हमें ढूंढना पड़ेगा किसको तो ए कहां पर है ये रहा तो हमने यहां पर रख दिया क्या चालीस अब आपको मेरे भाई दिया हुआ है एफ डी जी मतलब एफ और जी के बीच में डी ढूंढो तो देखो मेरे भाई एफ कहा है हमारा इसमें ये और डी हमारा ये रहा और जी हमारा ये रहा तो ये वाला एंगल कितना है आपका फिफ्टी फाइव अब आपको दिया है एच ए बी तो मेरे भाई देखो इसमें एच कहा है एच और ए और बी ये वाला आपको दिया हुआ है कितना एक्स तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है अब बताओ कैसे बताओगे ये बताओ ये इसमें लाइन पैरल कौन कौन सी है ए बी पैरल है किसके तो मेरे भाई ये जो ए बी आपकी कहा बी पैरल है किसके और यहां पर जो ए सी है वो किसके है बी डी हा ये ये डी है। ठीक है ये दोनों पैरल हैं आपकी ये वाली ए सी और ये बी डी इसके नीचे है डी ठीक है और ये दोनों पैरल हैं तो ये दोनों है इसका एच और ई का कोई संबंध नहीं है ठीक है तो ये अगर फिफ्टी फाइव है तो ये भी कितना होगा हमें कहां पहुंचना है यहां पर और हम यहां कैसे पहुंच जाएंगे बोले या तो ये दोनों का सम पता लग जाए ठीक है तो बताओ यार अब यहां पर आप आ गए पचपन तो अब आपका ये पचपन है तो ये भी कितना होगा ये पूरा लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा ठीक है तो ये दोनों टोटल करके कितने हो गए किस में से माइनस करोगे 180 में से आप 95 फाइव माइनस कर दो कितना बचेगा 85 फाइव आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हटा दें चलो मेरे भाई देखो अगला क्या बात है ऐसे कितने हैं जिन्होंने घर पे मेहनत नहीं की अच्छा यहीं पे करते हो बस घर पे क्या करते हो अच्छा डबल हो जाएगी <laughs> देखो निम्नलिखित चित्र से आर क्यू जेड का वैल्यू फाइंड करना है हमें तो आर क्यू और जेड मतलब ये वाला भाई हमें वैल्यू डिफाइन करना है तो आपसे कहा जा रहा है क्या कि आर क्यू जेड ये जो आर क्यू जेड ये वाला जो एंगल है क्यू आर एस आपका क्यू और आर एस से कैसा है दो गुना नहीं है अगर आप इस टू को अपॉन में लाओगे तो जो हाफ रह जाएगा ठीक है मतलब क्यू आर एस का डबल इक्वल है RQZ के, ठीक है कि नहीं आपसे कह रहा है है कौन एस टी तो भाई आपके यहां से ये वाले दोनों लाइन कैसे हैं पेरल है ठीक है ठीके? अब बताओ आपने इसकी शुरुआत कहां से की क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं जेड का जो साइन है तो मेरे भाई यहां पर आपका हो जाएगा कितना कोई प्रॉब्लम क्योंकि हमें अगर ये एंगल पता लगा तो ये तो आ ही जाएगा हमारा क्योंकि यहां पर ये कंपैरिजन करके दिया है दोनों को तो मेरे भाई अगर ये 80 है तो यहां पर ये कितना होगा फिर होगा और यहां पर ये आपका है ही लीनियर पेयर अगर आपका जो 120 है तो ये कितना होगा और मेरे भाई ये स, हंड्रेड और सिक्सटी कितना हुआ तो फिर यहां के लिए कितना बचा केवल बताओ ठीक है अब देखो मेरे भाई यहां पर आपको दिया हुआ है आर क्यू जेड इज्कवल टू टू एंगल क्यू आर एस आप यहां कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं वन देखो यार इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी वन और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी आपकी टू मतलब आर क्यू जेड एंगल आर क्यू जेड अगर आपका कितना है टू है तो मेरे भाई यहां से आपका एंगल क्यू आर एस आपका कितना होगा वन होगा ये रेशियो मिल गया मैंने कहा अरे मेरे भाई देखो जैसे आपका टू एक्स इजक्ल टू थ्री वाई होता है तो आप इसमें क्या करते हो एक्स के अपोन में लाते हो किसको और मेरे भाई थ्री के अपोन में जाएगा तो आप यहां पर क्या पाओगे कि x के सामने जो रखा था थ्री वो x को ही मिला y के सामने जो रखा था टू वो y को ही मिला मतलब इस वाली कंडीशन में जो जिसके सामने होता है उसी का होता है तो मेरे भाई हमारे पास यहां कुछ नहीं था तो हमने इसको कितना कर दिया वन हमने इसको कितना कर दिया मेरे भाई वन अब आर क्यू जेड का वैल्यू टू होगा आर क्यू जेड का वैल्यू टू कर दिया क्यू आर एस का वैल्यू वन होगा तो हमने सॉरी आर क्यू जेड का टू ठीक है क्यू आर एस का कितना बन ठीक है अब देखो यार हमारे पास ये ट्वेंटी वैल्यू किसकी है क्यू आर और एस की कितनी ट्वेंटी तो भाई इसकी वैल्यू आपको दे रहा है ट्वेंटी तो ये तो इससे डबल है कितना हो जाएगा तो आंसर होगा कौन सा ठीक क्लियर हुआ हटा दे हाँ भाई रिपीट करना है क्या चलो क्या अच्छा रिपीट करना था तुम इतना लेट क्या बोल रहे हो इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बता ये रेशियो अरे राम कौर यहां पर ये आर क्यू जेड देखो आर क्यू जेड की वैल्यू टू हो गई और इस वाले की वैल्यू हो गई वन ये पहले हमने यहां रखा अब ये बोल रहा है कि अगर ये वन है तो ये टू है और इसकी वैल्यू हमें यहां से मिली ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी है तब ये इसका डबल होगा कितना फोर्टी क्लियर है? रेशियो के दोनों टर्म में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है चलो भैया इसका बताओ कैसे बनाया देखो पहले तो वैसे ही कोशिश किया करो अगर कुछ भी दिमाग ना चले तो ये सभी लाइनों को बढ़ा दिया करो क्वेश्चन बोला है ए बी पैरल है किसके एच के तो देखो मेरे भाई ये जो ए बी है ये पैरल है किसके तो हम इसको और आगे बढ़ा दें ऐसे फिर मेरे भाई बोला है जीएच और इस इनके भी पैरल है कौन डी e, तो हमने इसको भी आगे बढ़ा लिया ठीक है अब मेरे भाई फिर से आपको बोला है जी एफ कॉमन है बी डी तो आपका यहां से जो जी एफ है ये वाला लाइन ये कॉमन है सॉरी पैरल है किसके जी एफ पैरल है किसके बी डी के तो यहां से ये जु इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपन ऐसा नहीं सोचना कि यहां नाम है तो ये यही खत्म हो गई ठीक है अब ये किसके पैरल है बीडी के तो ये तो काफी बड़ी है ही फिर आपको बोला और इन्हीं के पेरल है कौन आपका एच आई तो मेरे भाई एच आई को अभी आप आगे बढ़ा लो ऐसा करने से क्या होगा तुम्हें तो वैल्यू आसानी से मिल जाया करेंगे अब आपको इसमें एक एंगल दिया हुआ है एफ जी सी तो मेरे भाई देखो ये एफ जी और सी आपको ये दिया हुआ है कितना पूछा है कौन सा सी एच आई तो मेरे भाई देखो सी एच और बताओ यहां तक आ सकते हो अगर हम केवल इन पर नजर डालें तो आपका ये क्या हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा हटा दें चलो मेरे भाई अब आ गया हमारा टाइप फाइव अब इसमें बता दो किसने कितने क्वेश्चन बना लिए हैं पैंतालीस तक नहीं पहुंचे चलो चलो मेरे भाई बताओ कॉम्प्लीमेंट्री पूरक या कोटिपूरक दो एंगल का सम कितना था और मेरे भाई सप्लीमेंट्री मतलब यहां पर हम कह रहे थे इसको संपूरक इनका टोटल कितना था तो आप ये बताओ मुझे कोई जैसे मेरे पास एंगल है थीटा इसका आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बताओ और सप्लीमेंट्री बताओ अगर कोई भी एंगल है आपके पास अगर आपको उसका चाहिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको माइनस करना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा मेरे भाई 90 माइनस और ये आ जाएगा सप्लीमेंट्री वन एट्टी माइनस तो मैं जिसका भी चाहिए वो आपको उसमें से घटाना पड़ेगा ठीक है चलो अब ये जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पढ़ो सभी क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट इच द एंगल इट कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसका पूरक वह कोण स्वयं है यह कह रहा है वो आपसे तो मेरे भाई स्वयं का मतलब वो जितना होगा उतना ही उसका पूरक होगा तो आपको भी पता है कि यहां पर अगर हम 45 को देखेंगे तो आप समझ पाओगे कि अगर हम इस 90 से 45 को माइनस भी करते हैं तो कितना आने वाला है मतलब ये दोनों वैल्यू सेम किस से हो रही है हमारी सी से नाइन्टी में से माइनस करने के बाद आप जितना माइनस कर रहे हो उतना ही रिमाइंडर शेषफल आपका मतलब रहना चाहिए यहां पर रिजल्ट ठीक है चलो देखो अगला एक कोण अपने संपूरक के एक तिहाई के बराबर है तो इसके कोण का मान ज्ञात कीजिए बना पाए हो इसको देखो एक कोण अपने संपूरक के भाई ये मान लिया हमने हमारा थीटा ठीक है और इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा 180 एट्टी माइनस ठीटा हाँ या ना और ये कह रहा है कि अपने संपूरक के वन थर्ड है मतलब इसका जब हम वन अपॉन थ्री करेंगे तब हमें ये मिलेगा क्लियर हुआ तो मेरे भाई ये थ्री इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना मेरे भाई थ्री ठीठा और सामने रहेगा आपका वन एट्टी माइनस भाई थीटा इधर आ जाए तो क्या होगा प्लस होगा कि माइनस तो भाई यहां पर हो जाएगा कितना ये फोर थीटा इक्वल टू तो कितना वन भाई इसको आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे तो फोर से ये हो जाएगा फोर टाइम सिक्सटीन और फाइव टाइम आपका थीटा आ गया फोर्टी फाइव ठीक है तो आंसर कौन सा है इसका क्लियर है सभी का हटा दें पीडीएफ मिलती है कि नहीं आपको लिख रहे हो ठीक है लिख लो क्या भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो काफी सारे एग्जाम है 2024 में और एस एस का देख लेना किसी का कैंसिल तो नहीं हुआ है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उसमें स्टेट वाइज वैसे तो दिया है किस स्टेट से कितने किस सेंटर से कितने बच्चे हुए हैं कितने लोगों ने दिया था जी बस लड़कों में एक कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे अरे वाह नहीं भाई हमने बोले अपना कर्म पूरा कर दिया वो एग्जाम वाला जाने के कि क्वेश्चन जाना है चलो चलो बाद में डिसाइड करेंगे चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कह रहा यदि कोई एंगल अपने यहां पर दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना है फोर टाइम है तो एंगल ज्ञात करो देखो भाई कोई एंगल आप मान लीजिए कितना ठीठा और इसका जो पूरक होगा कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्या होगा बताइए नाइन्टी माइनस ठीठा क्लियर हो रहा है कभी कभी इच्छा ऐसी होगी कि ठीठा में से नाइन्टी माइनस कर दोगे तुम लोग जो कि गलत हो जाएगा ठीक है हमेशा ध्यान रखना है नाइन्टी में से एंगल को माइनस करना है अब कह रहा है कि यदि कोई कोण अपने पूरक का कितना है मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जब हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें यह मिलेगा नहीं चार गुना वन अपॉन फोर नहीं बोला ये बात थोड़ा सा अटपटी लगती है बच्चों को क्वेश्चन में ये ये कह रहा है कि एंगल जो है ना अपने से कैसा है चार गुना मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री में जब हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये मिलेगा क्लियर हुआ तो मेरे भाई देखो ये आ जाएगा आपका कितना थ्री सिक्सटी और माइनस का फोर थीटा जो कि इधर आके हो जाएगा कितना तो मेरे भाई फाइव से इसको कैंसिल कर दो पांच से सेवन टाइम और टू टाइम थीटा कितना आ गया तो वो आपसे नॉर्मल में एंगल ही पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन भी क्लियर है कि नहीं हटा दे लिख रहा है क्या कोई लिख लो लिख लो लिखने वाले आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर की बुक अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके पास होना ही चाहिए ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका साथी साथ ही साथ एनालिसिस करते चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल में हमारे एग्जाम के काम का है या नहीं प्लस उसका लेवल क्या है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस भूल में रहते हैं यहाँ उनसे भले ही कुछ नहीं हो रहा वो सोचते हैं यार एग्जाम देने जाएंगे तो क्या पता हो जाए ऐसा होता थोड़ी है भले ही तुमको लगता है चाहे आप जो एग्जाम टारगेट किया है आपने ठीक है उसकी प्रीवियस ईयर की बुक मार्केट में सबकी अवेलेबल है होनी चाहिए और आपको लेवल पता होना चाहिए कि आप जैसे एग्जाम का मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो वो उसका लेवल वास्तव में है क्या किसी भी सब्जेक्ट का तो ही आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे चीजों को नहीं तो कुछ भी पढ़ोगे तो रिजल्ट भी फिर कुछ भी रहेगा तुम्हारा ये हकीकत मानो ठीक है गदा मजदूरी करने से बेहतर है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लो और चीजों को अच्छे से कर लो बता बना रहा है पूरक कोणों में एक कोण 45 है दूसरा कोण ज्ञात करो अच्छा ये बताओ पूरक कोणों में जैसे मेरे पास ये 30 है बताओ तुम 30 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ पूरक कितना आएगा कितना आएगा बोले 90 माइनस कितना आ जाएगा और मेरे भाई अगर मैं तुमसे कहता बताओ मुझे 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक बताओ तो आप क्या करते बोले 90 माइनस सिक्सटी आपका कितना आता इस बात का मतलब मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और दोनों ही एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं ऐसा नहीं सोचना कि केवल जैसे जो फोर्टी है और एसी का केवल ये जो फिफ्टी है जो कॉम्प्लीमेंट्री है फिफ्टी का कॉम्प्लीमेंट्री फोर्टी को भी होना पड़ेगा मतलब दोनों एक दूसरे से ही पूरे होते हैं तो ये पचास चालीस से पूरा होगा चालीस अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं जैसे यहां बोला कि पूरक कोणों में एक कोण तो व्यक्ति को लगेगा यार दो पूरक कोण कैसे होंगे दोनों एक दूसरे के आपस में होते हैं ठीक है ठीके? तो देखो मेरे भाई अब एक होगा आपका थीटा और दूसरा होगा आपका नाइनटी माइनस थीटा अब कह रहा है एक कितना है तो दूसरा कितना होगा कितना होगा दूसरा वैसे तो इसको सॉल्व करना ही गुनाह है पर समझने के लिए ये करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि मैं लिखूंगा नहीं तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा बोले यार इसमें तो कुछ करवाया ही नहीं ऐसा लगता है नहीं अंदर से बोले यार मुझे समझ में तब तब आता ना जब सर करवाते तो वो चीज है ठीक है हटा दे भाई एडवांस मैथ बच्चा अपने आप से बहुत ज्यादा समझौता करने के बाद पढ़ता है बहुत कष्ट में रहता है क्योंकि जो टफ चीज है उसे अरब मारता है देखो आपका जो एंगल होता है ना उसका ऐसे हमारे पास कोई एक्स है ये हो गया तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई एक डिग्री बराबर होता है आपका साठ मिनट ये साइन होता है आपका मिनट का ठीक है भाई और ये होता है आपका सेकंड का अरे ये मेजरमेंट की यूनिटें होती हैं आपकी है ना जैसे ग्रेड होता है एंगल होता है मिनट होता है सेकंड होता है हर चीज की छोटी बड़ी यूनिट होती है ठीक है तो देखो भाई अब आपको यहां से दिया हुआ है क्या कि भाई इसका वैल्यू बताओ थर्टी डिग्री और ट्वेंटी मिनट का और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है आपसे पूरक और चाहे कैसे भी एंगल हो दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा तो मेरे भाई देखो आपका ये 90 डिग्री है आप इसमें से एक डिग्री हटा लो तो हम इसमें से जब एक डिग्री हटाएंगे तो ये कितना रह जाएगा और बगल में लिख दो उसको मिनट के रूप में तो हम लिख देंगे उसको कितना सिक्सटी मतलब एक डिग्री इक्वल टू होता है सिक्सटी मिनट और मेरे भाई एक मिनट इक्वल टू होता है तो कभी तुमको क्वेश्चन यहां पर मान के चलो ये ये और लिख देता इसी में कि 40 सेकंड तो फिर सेकंड भी कन्वर्ट कर, करने पड़ते कैसे बोले साठ में से एक मिनट निकालते यहां 59 रह जाता और बगल में उसका 60 सेकंड लिख देते देखो जैसे मेरे पास ये पांच घंटे का टाइम है ये है मेरे पास मतलब कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं क्योंकि कन्वर्ट कैसे होगा ठीक है तो देखो यार ये यूनिट होती है एच ये होती है हमारी एम और ये होती है अगर तुम्हें यहां मिनट की जरूरत है तो आप इसमें से एक घंटे निकालोगे कितना कर दोगे इसको तो मेरे भाई बगल में जो है मिनट है तो एक घंटे का तो सिक्सटी मिनट लिखोगे ना आप और जीरो जीरो सेकंड मान लो तुम्हें सेकंड की भी जरूरत है तो घंटे से अब नहीं बोलोगे यहां से 59 कर दो और बगल में लिख दो 60 ऐसे ही आप केवल डिग्री से सेकंड तक कन्वर्ट आराम से कर सकते हो बिना किसी टेंशन के ठीक है कि नहीं तो देखो हमारे पास पहले रहता है क्या 90 डिग्री तो पहले तो हम देखेंगे कि अगर हमारा ये मान लो मिनट वाला दिक्कत यहां ना करता तो फिर हम नॉर्मली इसमें से घटा देते अब साथ में क्या आ गई मिनट आ गई तो तुमको ज्यादा दुखी नहीं होना है चुपचाप से क्या करना है इसमें से मिनट सेंड कर लेना है ठीक है तो हम कह देंगे भाई इसमें से निकाल लो एक डिग्री तो यहां रह जाएगा एट्टी नाइन डिग्री और मेरे भाई बगल में हम लिख देंगे कितना सिक्सटी मान लो सेकंड देता तो इसमें से सेकंड निकाल लेते ठीक है अब आप इसमें से माइनस कर दो इसको कितना थर्टी और ट्वेंटी मेरे भाई ये हो जाएगा आपका और नाइन और ये आ जाएगा आपका तो 59 डिग्री फोर्टी मिनट आंसर होगा कौन सा बी ये अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की नजर में बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपकी नजरों में बहुत टप है तुम तो चीजों को पढ़ा करो यार तुम्हें क्या मतलब कौन सी टेप है कौन सी चीज है है कि नहीं तुम तो दिल लगा के पढ़ा करो बस ये है कि भाई अर्थमेटिक इतनी देर में हम पचास क्वेश्चन कर लेते इसके दस उपाय क्यों दिक्कत है वो तो हाँ करना तो है ही क्या अच्छा लिख रहे हो ये मिनट का है ठीक है नहीं ना वो लिख लिया चलो देखो नेक्स्ट फोर्टी डिग्री के दो संपूरक कोण तथा पूरक कोण का देखो भाई साहब ये दो का मतलब इसके दो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे मैथ की लैंग्वेज है आपको अपने हिसाब से इसको इजी बनाना पड़ेगा ठीक है वो कह रहा है चालीस के दो एक तो उसमें कौन है सप्लीमेंट्री और एक कौन है कॉम्प्लीमेंट्री तो रेशियो पूछ रहा है तो भाई सप्लीमेंट्री के लिए हम माइनस करेंगे किसमें से और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए माइनस करेंगे किसमें से इनका रेशियो पूछ रहा है हमसे तो यहां पर रहेगा कितना 140 और यहां पर रहेगा कितना तो मेरे भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका रेशियो बनेगा 14 रेशियो और आप ये बात शायद पहले से जानते होंगे हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं फ्रैक्शन में ठीक है तो मेरे भाई इसको हम डिनोट कर देंगे कैसे फोर्टीन अपॉन में फाइव ऑप्शन हो जाएगा बी क्लियर है हटा दें, चलो देखो अगला थीटा के आपको बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू एंड थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू का तीन गुना है तो थीटा थीटा का मान क्या होगा देखो इसका आप ये थीटा है हमारे पास इसका मेरे भाई आप सप्लीमेंट्री बना लो तो 180 एट्टी माइनस थीटा बनेगा कि नहीं और मेरे भाई उसके बाद फिर इसका सप्लीमेंट्री तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री नाइनटी माइनस अब कह रहा है क्या है इसका ये तो इसका ये तीन गुना है मतलब इसमें जब हम थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये मिलेगा ठीक है मेरे भाई देखो यार बराबर में रहने वाला है आपका दो सो सत्तर और ये थ्री थी थीटा इधर माइनस का होगा इधर आके आके हो जाएगा प्लस का तो प्लस के टू थीटा में से सॉरी थ्री थीटा में से एक थीटा जाएगा कितना बचेगा टू थीटा और यहां से वन एट्टी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो यहां से आपका ये दो सौ सत्तर माइनस एक सौ अस्सी कितना जो कि किससे कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा फोर्टी फाइव तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई क्लियर है हटा दें सर एक बार और समझा दो अब भाई तेरी कमेंट थोड़ी लेट है कि मैं जल्दी हूं

चलो बताओ जल्दी इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर आपको दिए हुए हैं देन फाइव एक्स तो मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो सारे काम बन जाएंगे तो यदि दो संपूरक कोण भाई ये है एक ये है तब फाइव एक्स का वैल्यू क्या होगा कैसे बनाओगे इनको नहीं जो बनाएगा तीन कैसे लाए भाई ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री है और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है मतलब ये दोनों का टोटल 180 होगा तो ये दोनों को अपन क्या कर दें प्लस कर दें तो यहां से हो जाएगा कितना ये 23x प्लस आपका ये दोनों हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 50 50 100 और आपका आठ तीन ग्यारह एक ठीक है बराबर में मेरे भाई कितना आएगा क्लियर है अब इसको मेरे भाई उधर भेज दो बराबर में ये उधर से माइनस हो जाएगा तो हंड्रेड माइनस होगा तो एट्टी यहां पर बचेगा कितना आपका 69, की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई तो आपको यहां से पूछा क्या है मेरे भाई फाइव एक्स का वैल्यू पूछा है ठीक है बताओ यार यहां से अब आपका जो फाइव एक्स का जो वैल्यू है तो फाइव इंटू थ्री इज्कल टू कितना तो वैल्यू अपन कौन सा टिक करेंगे यहां पर जो तीन वाले थे वो सब गलत साबित हो गए अच्छा ठीक है चलो किसी को डबल से समझाना है क्या हटा दें समझ में आ रहा है तो यार ऐसे क्वेश्चन मेहनत ज़्यादा करवा देते हैं तो आप लोग मेहनत तो कर ही लेते हो बताओ अरे भाई पढ़ ले जैसे एक घंटे में मिलके अच्छे से पढ़ लिया करो फिर बाकी जो करना है कर लिया करो है? नहीं बना आपको कह रहा है एंगल ए का जो सप्लीमेंट्री अब ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स डिग्री है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना है टू एक्स है तो ए का वैल्यू हमसे पूछा है नहीं बना होगा ये नहीं एक और चीज रहती है ना जैसे खतरनाक सा देखा हमारी पेन स्टार्ट तो होती है जब क्वेश्चन को देख के लगेगा कि हम फाइनल कर सकते हैं पता नहीं ऐसा लगता है गलत हो गया तो बम फट जाएगा आपको मैथ में गया रिक्स देखो लेनी पड़ती है और मैं आप बहुत सारे बच्चों से कहता हूं कि मैथ जो कोई भी टीचर से पढ़ोगे ना वो तो पढ़ा तो देगा पर सीखना है तो खुद करके सीखना पड़ेगा मैथ खुद लिख लिख कर सीखने वाली चीज है है कि नहीं तो देखो यहां पर आपको बोल रहा है कि एंगल ए का जो संपूरक है वो कितना ये है और हमें पता है ए का सप्लीमेंट्री कैसे आएगा ए टू आपको मेरे भाई कितना दे ट्वेल्व एक्स प्लस क्लियर हुआ ये दे रहा है आपको और फिर आपसे कह रहा है इसी के बारे में कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना है मतलब हम ए को नाइनटी में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई आपसे ए का वैल्यू पूछ रहा है अब ए का वैल्यू तब तक ए का नहीं हम किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक चीजें कंपेयर करने के लिए ना हो और कंपेयर कर सकते हैं सेम यूनिट में तो अगर हम यहां से ए का वैल्यू डिफाइन करना चाहें तो भाई ये ए उधर चला जाएगा लिखेंगे कम सोचेंगे ज्यादा नहीं तो फिर ये बोर्ड कम पड़ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि आपको आंसर भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें उठापटक ऐसी होने वाली है ठीक है तो देखो ए उधर भेज दिया प्लस का हो गया अब ये 180 हमारा भी इधर ही रखा है अब ये 6 जो है वो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का तो यहां पर हो जाएगा आपका वन सेवनटी फोर और माइनस का ट्वेल्व एक्स बोलो हाँ या ना टेंथ क्लास की तरह हर एक स्टेप को लिख नहीं रहे अपन बताओ यार यहां पर ए को उधर भेज दें टू एक्स इधर आके रहने वाला है हमारा कितना अब हमारे पास दोनों जगह एक की वैल्यू हो गई दोनों को क्या कर दो इक्वल कर दो आपको सीधी वैल्यू मिलने वाली है किसकी एक्स की और फिर आप किसी में भी वैल्यू पुट कर देना एक्स का वैल्यू ए का मिल जाएगा ठीक है तो बताओ देखो भाई यहां पर है हमारे पास 90, पहले ये लिखा है तो इसी को लिख लो 174 सेवेंटी फोर माइनस ट्वेल्व एक्स क्वल टू हो जाएगा नाइनटी माइनस ये ट्वेल्व उधर चला जाएगा तो माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का और भाई उसमें से फिर ये टू एक्स माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा या ना ठीक है अब मेरे भाई ये वन सेवनटी फोर अपनी जगह बढ़िया रखा है उधर से ये नाइन्टी इधर आके किसका हो जाएगा तो कितना बचेगा एट्टी फोर देखो इतनी होशियार बच्चे होने चाहिए क्लास में ठीक है अब यहां से जे आप ये टेन अपॉन में भेज दोगे या ये बोल दो भाई कि जीरो से यहां पर क्या लग जाएगा डेसिमल मतलब एक्स की वैल्यू हो गई आपकी एट पॉइंट बस या तो आप इसमें रख दो या मेरे भाई आप इसमें रख दो जिसमें दिल करे उसमें रख दो हमें वैल्यू चाहिए ए की तो हम कर लेंगे ए इजक्ल टू माइनस टू एक्स तो मेरे भाई ये नाइन्टी तो अपनी जगह पर बढ़िया रखा हुआ है टू इंटू आपका आठ दूना हो जाएगा सोलह पॉइंट एट मेरे भाई कितना बचेगा ये सेवेंटी थ्री पॉइंट टू आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा क्लियर है चलो हटा दें चलो मेरे भाई करो इसको बढ़िया क्वेश्चन है जी इजी है ज्यादा टप नहीं है बस समझ के करना है आराम से बना सकते हो क्वेश्चन समझ में आ रहा है Q1 और Q2 कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं मतलब दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 90 और कह रहा क्यू वन अपने संपूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का सॉरी सप्लीमेंट्री का कितना है नाइन अपॉन इलेवन है गुना है तो क्यू टू का वैल्यू क्या होगा करो कोशिश देखो एक्स का टू अपॉइंट थ्री वाई का फाइव 7 ऐसे स्टेटमेंट हमें देखने को मिलते हैं तो मेरे भाई आपको एक ध्यान रखना है बात क्या कि जिस का बोला जाता है ना वही वैल्यू आपकी नीचे रहती है डिनोमिनेटर के रूप में ठीक है यहां पर जो वाई है वो कितना होगा तो यहां पर क्या आप ये कह सकते हो यहां पर ये यह कह रहा है कि जो क्यूबन है ना अपने किसका सप्लीमेंट्री का कितना है ग्यारह से नौ है मतलब किसका बोल रहा है ये सप्लीमेंट्री का बोल रहा है कि नहीं तो मेरे भाई हम कह देंगे कि मान लो मेरे भाई ये क्यूबन है और ये उसका कौन है तो सप्लीमेंट्री कितना है तो भाई ये कितना होगा कोई भी एंगल और उसका सप्लीमेंट्री सम कितना होता है 180 यहां पर हो रहा है कितना तो ट्वेंटी का वैल्यू कितना तो मेरे भाई जीरो से जीरो वन यूनिट का वैल्यू कितना तो Q1 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा बोलो हाँ ना आप अगर इसको x से करोगे तो भी बता दूंगा क्योंकि मन में कभी कभी ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही करना था क्योंकि जब नहीं बनता फिर हम करवाते हैं तो ऐसा ही लगता है ना किसी किसी बच्चे को कह रहे हमें कैसे पता कि ये ऐसे करना था तो तभी तो प्रैक्टिस करनी है अपन को ठीक है तो देखो ये अपने सप्लीमेंट्री का तो भाई सप्लीमेंट्री अगर इलेवन है तो वो एंगल कितना होगा ऊपर वाला नाइन क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है क्यू की तो दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा वन एट्टी हमारे हिसाब से दोनों का सम हुआ कितना ट्वेंटी की वैल्यू वन एट्टी वन यूनिट की वैल्यू नाइन तो नाइन की वैल्यू हो जाएगी एट्टी पन इधर करोगे तो नाइनटी नाइन अब वो कह रहा है कि क्यू वन और क्यू टू क्या है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर q1 आपका 81 हो गया तो q2 कितना होगा बोले 90 होता है दोनों का सम तो कितना तो q2 का मान कितना अगर इसमें x से कर दिया ना शुरुआत तो काफी सारा समय खर्च होगा जिससे कंपेयर करता है मेरे भाई वही वैल्यू आपकी नीचे होती है बस इस बात को आपको बढ़िया से समझना था हटा दें चलो मेरे भाई करो इसको बहुत इजी क्वेश्चन है ये अगर अच्छे से करोगे तो बना पाओगे क्या टाइम हो गया यार बड़ी जल्दी चलो बताओ जल्दी भाई बस तुम्हें तो समझ में आना चाहिए देखो एक बार चीजें बैठ गई ना फिर और एक बार इंटरेस्ट बैठ गया मैथ में फिर एडवांस हो या कैसा भी हो फिर वो ठीक ठाक चलता है सब देखो भाई एंगल पी का जो सप्लीमेंट्री है वो ये है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कितना है सिक्स ए है तो पी का वैल्यू क्या है भाई मेरे सेम ये क्वेश्चन किया था ना हमने ए वाला सेम है वो केवल वो गलती से ये मान सकते हो आपके इसके साथ छोड़ गया है वो तो बताओ इसको पी का जो आपको पता है कि हमें मिलेगा वन एट्टी माइनस पी इजक्वल टू ट्वेल्व ए प्लस फोर बोलो हाँ या ना एकदम सेम है भाई केवल नंबर चेंज है उसमें ठीक है इसका जो पूरक है मतलब कैसे मिलेगा नाइनटी माइनस पी इजक्ल टू तो मेरे भाई हम इधर पी को उधर भेज दें तो देखो भाई साहब वन एट्टी में से जो फोर इधर आके माइनस होगा तो वन सेवनटी सिक्स और आपका माइनस ट्वेल्व ए क्लियर हुआ मेरे भाई ये पी उधर चला जाएगा और ये सिक्स इधर आ जाएगा तो नाइनटी माइनस बस ये दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल तो देखो मेरे भाई इक्वल हो जाएगा वन सेवनटी सिक्स माइनस ट्वेल्व इजक्वल टू आपका नाइनटी माइनस देखो मैं तुम्हें चीजों को समझा रहा हूं ये कितना था ए तो मुझे क्या है लिखने में बोलने में समय लगता है कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि यार इतना बड़ा लिखूंगा तो, तो बहुत समय लगेगा तो मैं किसी को समझाना थोड़ी है लिखो उड़ता उड़ता जो छोड़ सको वो छोड़ो ठीक है कि नहीं क्योंकि अगर मैं उड़ता उड़ता लिखूंगा तो तुम्हारी गाड़ी खत्म बताओ यार अब देखो भाई साहब ये उधर जाएगा प्लस का होगा ट्वेल्व उधर जाकर सिक्स माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा और ये भाई साहब अगर इधर आएंगे तो कितना बचेगा ये नाइन्टी अगर इधर आएगा तो माइनस होंगे मतलब कितना तो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये की तो मेरे भाई यहां से आपका जो ए का वैल्यू है वो हो जाएगा कितना 86 सिक्स अपॉन आप किधर भी वैल्यू पुट कर दो आपको भी पता है कि आंसर ऐसा है कि हमारा ऑप्शन फिट हो जाएगा ठीक है तो देखो यार हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें नाइनटी माइनस ठीक है मेरे भाई इसमें नाइनटी माइनस सिक्स इंटू एट्टी सिक्स अपॉन में ये कैंसिल हुआ कितना आ गया फोर डिग्री और आज के लिए इतना है कल हम कल क्लास लगेगी ना और मैं कन्फर्म कर लूंगा सर से कल लगेगी तो मैं तुम्हें तो और भी बेसिक चीजें बता दूंगा और जो हमारे चार से पांच क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम सोल्व कर लेंगे ठीक है ओके